शुरू करते हैं। आज हम जा रहे हैं गौर घाट। आज आप सब लोगों को हम गौर घाट दिखाएंगे। और आज तो वैसे मेरा YouTube का पहला वीडियो ब्लॉग का है, तो कृपया करके वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। और आज हम आप लोगों को गौर घाट का आपका रास्ता दिखाएंगे, कैसे जाना है, क्या सीन होते हैं, वहाँ का पूरा नज़ारा आपको दिखाएंगे। तो आप वीडियो पे बने रहें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपकी मन हो तो, ना हो तो बस आप वीडियो देखें, इतने हमारे लिए काफ़ी। कभी आप आओ तो यहाँ अच्छे से घूम फिर सको, और रास्ता तो आप भूलने का कोई चांस नहीं। आप वीडियो पूरा देखो, बाकी रास्ता आपको अच्छे से दिखाया जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं कुछ देर बाद। हम आ चुके हैं यहाँ नगर में, जो कि हमारे बैकुंठपुर से करीबन 18 किलोमीटर की दूरी पर है। तो यहाँ से हमको कटना है, और यहाँ से कटेंगे तो करीबन 10 किलोमीटर और आगे है, उसके बाद हम पहुँच जाएंगे गौर घाट। तो वहाँ पहुँच करके आपको वहाँ का सीन दिखाएंगे। अब हम यहाँ पर हैं, देख सकते हैं आप, यहाँ पटरी है, आप दिखा दो थोड़ा सा हमारे पटरी, नगर का रेलवे स्टेशन का ये पटरी है, और इसी जगह से हमको कटना है। तो चलते हैं आगे, तब तक लाइन पर बने रहें और वीडियो को आनंद लेते रहें। तब तक के लिए बाय बाय। हेलो गाइस, तो हम निकल चुके हैं मंजिल की ओर। देख सकते हैं जंगल पहाड़ कैसा है, हम बहुत जल्द वहां पहुंचेंगे। तो यहां आए तो कृपया गाड़ी बाइक से अगर आ रहे हैं तो हेलमेट लगा करके आए, क्योंकि यहां घटना बहुत हो सकती है। हेलमेट तो खैर मैं लगाया हूं, लेकिन आप लोगों को दिखाया नहीं, नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊँगा। तो पहाड़ देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा है, तो लाइन पे बने रहिए, आपको हम बीच बीच में ऐसे कुछ कुछ दृश्य दिखाते रहेंगे। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, और नहीं करेंगे तो भी कोई बात नहीं, हम तो बस लोगों के प्यार के लिए वीडियो बनाते हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वो ज़रूरी नहीं है। तो आगे बने रहें, बाकी मिलते हैं फिर। हेलो गाइस, हम यहाँ पहुँच चुके हैं। अब आप देख सकते हैं करीबन ये मोड़ है, लास्ट मोड़, ये करीबन जहाँ से हमको रेलवे फाटक दिखाया था वहाँ से 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर अगर आप भटक जाएंगे तो आप गौर घाट नहीं पहुँच पाएंगे। बाकी रास्ते तो और हैं, लेकिन वो बहुत लंबे पड़ेंगे। सबसे शॉर्ट रास्ता बैगनपुर से यही है, कभी भी आना होगा तो इसी रास्ते से आइएगा। बाकी आप मोड़ इनको दिखा दो अच्छे से, यही मोड़ है, ये पेड़, ये वो, ये मोड़, ये मोड़, उधर भी दिखा दो, उधर भी दिखा दो। इस मोड़ को याद रखिएगा गाइस, और बाकी हम मिलेंगे, लाइन पर बने रहिए, और अगले क्लिप पर मिलते हैं। तब तक के लिए रहेगा बाय बाय, मिलेंगे अगले क्लिप पर। तो हेलो गाइस, आप देख सकते हैं हम घनघोर जंगल में आ चुके हैं। करीबन 7 से 8 किलोमीटर का रास्ता है, वैसे तो मैं भी पहली बार ही आया हूं, तो देखते हैं कितने समय में पहुंचते हैं, लेकिन मैं पहुंच जाऊंगा, मुझे भरोसा है। मैं फुल इन्वेस्टिगेशन रिसर्च करके आया हूं, और मैं ज़रूर पहुँचूँगा। और बाकी लोग भी यहाँ दिखे हैं जाते हुए, तो दिक्कत वैसे कुछ नहीं है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लिप पर। बाकी जंगल आप देखते चलिए, बहुत अच्छा जंगल है। तो हेलो गाइस, हम तो यहाँ के भटक चुके हैं। किसी लड़के ने बताया था कि ये जो रास्ता दिख रहा है, कच्चा रास्ता, दिखाओ इसको, यही कच्चा रास्ता जाएगा। करीबन आगे चल के कुछ पोस्टर्स भी मिलेंगे, लेकिन अभी तो इसी हिसाब से जाना पड़ेगा। बाकी देखते हैं, आप मत भूलिएगा, वैसे रास्ता यही है, 100% श्योर हूँ मैं। बाकी अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि ये रास्ता हमको कहाँ तक पहुँचाता है। बाकी घूमने आए हैं तो घूमना तो है ही, बस ज़्यादा ही सही। बाकी मिलते हैं फिर, है ना। तो देखिए गाइस, हम जस्ट पहुँचने ही वाले हैं। बहुत पूछते हम यहाँ तक पहुँचे हैं, लेकिन अब पूरा श्योर है कि हाँ, हम सही रास्ते पर जा रहे हैं। इस रास्ते को देख करके लग रहा है कि हाँ, गौर घाट का रास्ता है, क्योंकि ऐसे पथरीला जगह है, झरना है, तो स्टेप से
रास्ता होना तो खैर पॉसिबल है और होना भी चाहिए, तब तो एडवेंचर का मज़ा आएगा। एडवेंचर एडवेंचर के चक्कर में देखो हमारा बाइक का हालत ख़राब हो जा रहा है, मेरा प्यारा बाइक। रास्ता लेकिन बहुत ज़्यादा ख़राब है, अगर इस रोड को बना दिया जाए तो आने वाले समय में आने जाने वाले लोगों को गौरघाट पहुँचने में आने जाने में कोई भी समस्या नहीं आएगा। सर फिलहाल तो रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है, देख सकते हैं आप, गांव के लोग यहाँ गाय बैल चला रहे हैं, उनका भी अच्छा नाश्ता हो जा रहा है और हमारा तो हो ही रहा है। वाह क्या सीन है। तो देखते रहिए बादशाह क्रिएशन ब्लॉग चैनल, ब्लॉग चैनल को देखते रहिए और बने रहिए। और दोबारा फिर से आपको याद दिला दे रहा हूँ मैं, अगर आप चैनल पर नए होंगे तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, बाकी आपकी मर्जी। और बाकी आगे बताते हैं, वहाँ पहुँचने के बाद नज़ारा कितना खूबसूरत खूबसूरत है, नज़ारा खूबसूरत नज़ारों का ही तो इंतज़ार है हमें, आपको किसी और चीज़ का, लेकिन मेरे को किसी और चीज़ नज़ारे का इंतज़ार है, बस नज़ारा अच्छा होना चाहिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लिप में, ओके बाय बाय, तब तक के लिए। हमारे नए नए दोस्त मिल चुके हैं यहाँ, जो कि खूबसूरत खूबसूरत नज़ारे हैं, ये तो सिर्फ ट्रेलर है, बाकी आगे और देखते हैं, लेकिन हम नहीं रुकेंगे, हम चलेंगे सीधा। तो हम आगे निकल गए हैं इन सबको पीछे छोड़ करके, बाकी वहाँ तो हम मिलेंगे ही। और आगे एक और कपल दिख रहा है, कपल ही अंकल आंटी तो होंगे नहीं, यहाँ घूमने आएंगे नहीं, कपल ही लग रहे हैं, बाकी अच्छी बात है, घूमने आए हैं अच्छी बात है। तो ये लड़की तो मैं पहचान रहा हूँ, सीधा सीधा यहाँ से देखेंगे तो दो तीन किलोमीटर बस बस, रास्ता सही है, हम भी चल रहे हैं, आप लोग भी चलिए चलिए चलिए, पहुँचेंगे पहुँचेंगे पहुँचेंगे, चलो आगे दिखाऊं। तो गाइस देख सकते हैं वो लोग रास्ता भटक चुके थे, तो उनको तो मैं रास्ता बताया हूँ, लेकिन मुझे खुद पता नहीं कि मैं सही हूँ कि नहीं हूँ। तो कैसी अपमान कर रहा है, गधा लड़का ये, अश्लील है ये लोंडा। तो खैर उनका भरोसा बढ़ा होगा, मेरे पीछे पीछे वो लोग आ रहे हैं, पीछे दिखा रहे दोस्त उन लोग को। तो गाइस वो लोग पीछे हैं, मेरे को खुद पर भरोसा नहीं है, लेकिन उनको बोल दिया हूँ। तो आगे दिखाओ आगे दिखाओ आगे दिखाओ, अब रास्ता दिखाओ इनको, इस रास्ते को देख करके वो लोग सोचे कि हम सही रास्ते पर तो है ना। तो फिलहाल तो सही ही लग रहा है, मुझे भी सही लग रहा है, बाकी कन्फर्म नहीं बोल सकता है, अगर गलत होगा तो वो चार पांच लोग हैं मुझे मिल के पता नहीं क्या करेंगे। वैसे देखते हैं और उनका रिएक्शन देखते हैं, बाकी वहाँ पहुँच करके उनसे भी अच्छे से बातचीत करेंगे, आपसे भी उनको मिलवाएंगे, कहाँ के हैं क्या हैं उनसे मिलेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लिप पे, तब तक ले बाय बाय। तो गाइस यहाँ पर लोग गाड़ी पार्क तो कर रहे हैं, लेकिन कुछ दिक्कत हो सकता है यहाँ पर, कि यहाँ पर जो लोग हैं पार्क तो कर दे रहे हैं लेकिन बाइक का सेफ्टी नहीं रहेगा, तो मैं जहाँ पर पार्किंग स्थल बना होगा वहाँ पार्क करूँगा। रास्ता बहुत ही ख़राब है, मेरा गाड़ी में गियर डाउन करना पड़ेगा, मेरा गाड़ी फंस चुका है, उतरूं तो शायद तक पीछे जो बैठी है उसको उतारना पड़ेगा, लेकिन नहीं मेरा गाड़ी निकल गया, मैं तो पार्किंग में ही पार्क करूँगा। और पहुँचने वाले हम लोग जस्ट, देखिए अब हमारे दोस्तों को सामने का अच्छे से दृश्य दिखा दीजिए, हम गौरघाट स्थल में एंट्री कर चुके हैं, स्कूल के बस तो खैर बहुत सारे दिख रहे हैं, स्कूल के बच्चे भी आए हुए हैं, मतलब पार्किंग स्थल पे हम तो पार्क करेंगे क्योंकि गाड़ी की सेफ्टी रहेगी, बाकी हम वहाँ पहुँच करके आपको दिखाते हैं, तब तक के लिए लाइन पर बने रहें। तो गाइस आप देख सकते हैं हम गौरघाट के स्थल पर पहुँच चुके हैं, ये आपको ऊपर से नज़ारा दिखा दे रहा हूँ मैं, ये देखिए, और यहाँ पर कुछ पिकनिक स्पॉट के लोग हैं जो पिकनिक बना रहे हैं, ये पिकनिक बन रही है उनकी, देख सकते हैं आप, ये पिकनिक बन रही है और
उधर भी पिकनिक मन रही है। बाकी इस नज़ारा तो खैर बहुत ही खूबसूरत है, नज़ारे में कोई कमी नहीं है। नीचे कुछ बच्चे लोग खेल रहे हैं, देख सकते हैं, हम भी जा रहे हैं अभी खेलेंगे, तो आपको खेलते हुए वीडियो दिखाते हैं। तब तक के लिए रहेगा बाय बाय, लाइन पर बने रहें। और कैमरा क्वालिटी तो खैर काफ़ी अच्छा आ रहा है, मेरा न्यू फ़ोन का कैमरा खैर काफ़ी अच्छा है, देख के बहुत अच्छा लगा, तो मिलते हैं फिर। तो गाइस हम यहाँ आ चुके हैं, बाकी खूबसूरत खूबसूरत नज़ारा का तो हम अभी आपको दिखाई नहीं है, लेकिन दिखाएंगे ज़रूर। ये देख सकते हैं यहाँ क्या दिख रहा है, सोनहत, ये एरिया मतलब सोनहत पे आता है। और ये यहाँ का सीढ़ी है, सीढ़ी से हमको उतरना है। सीढ़ी से उतरने के बाद हम झरना के नीचे पहुँच जाएंगे। करीबन बाइक से निकलने के बाद हमको आधा घंटा चलना पड़ा, करीबन 2 किलोमीटर, उसके बाद हम इस सीढ़ी के पास पहुँचे हैं। सीढ़ी तो खैर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत, और कैमरा भी काफ़ी अच्छा आ रहा है। तो अब नीचे के झरने पे मिलते हैं, हम पहुँच चुके हैं। आप देख, मैं जैसे पिछले क्लिप में दिखाया था पहुँच तो चुके हैं, लेकिन अब हम आपको पूरा दृश्य तो दिखाने में असमर्थ है, लेकिन आपको कुछ शॉट में आपको दिखा रहे हैं, उसको आप देखते रहिएगा म्यूज़िक के साथ, तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। बाकी आप नाश्ता लाए, नाश्ता भी करेंगे और नहाएंगे भी, उसको भी आपको दिखाया जाएगा। अभी आप शॉर्ट क्लिप का आनंद लें, तो शॉर्ट क्लिप होता है अब स्टार्ट। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। तो हेलो गाइस, हेलो गाइस, मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। तो हम यहाँ फुल एंजॉय करने के बाद अब जा रहे हैं घर। अगर मेरे कन्वर्सेशन में कोई भी दिक्कत हो या मेरे किसी भी शब्दों से आपको बुरा लगा हो तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और ये मेरा पहला वीडियो था, अगर आप अच्छे से प्यार बनाए रखते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से मिलेंगे, प्यार से। और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें आपको ये जगह कैसा लगा, अगर जगह अच्छा लगा हो तो कभी भी आप बैकुंठपुर आएँ तो इस जगह पर ज़रूर घूमें। तो सब बढ़िया, मेरे तरफ से आप सभी को नमस्कार, मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तो लास्ट तक बहुत कम लोग देखेंगे क्योंकि पहला ब्लॉग है, तो उसमें ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है मेरे पास। तो अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रहेगा अलविदा, बाय बाय, बाय बाय गाइस। मैं बाइक में बैठता हूँ, पास आ जाओ थोड़ा। ये बैल बुद्धि होम बटन बोला हूँ तो एक बार क्लिक कर लेना, ठीक है। बोला हूँ उसे ना, लाल हो जाएगा तो।